बढ़िया। चलो क्या क्या पढ़ रहे थे, कहाँ पे थे? कहाँ पे थे हम बताओ, क्या क्या पढ़ा दिया था? सर एंड तो हमने एडिशन रिएक्शन पे मतलब एंड में हमें एडिशन रिएक्शन पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अच्छा, ये मैंने पढ़ा दिया था। यस तो अब सर। क्या पढ़ाया तुम्हें, आज क्या पढ़ाना था? आइसमेलिन पढ़ाई दिया मैंने तुम्हें? अच्छा, यस सर। यस सर। पढ़ा दिया। ओके। अब तुम्हें क्या पढ़ाना है मुझे? चलो देखते हैं फिर। यहाँ पे बात कर रहा था कार्बामेट्स कंपनी, यानी क्या क्या पढ़ा दिया था यहाँ पे देखना। ये पढ़ा इथाइल अल्कोहल बता दिया था और एथेनोइक एसिड। चलो इथाइल अल्कोहल के बारे में समझते हैं। इथाइल अल्कोहल किसे बोलते हैं, कोई बच्चा बताएगा? सर CH3CH2OH। OH क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। इसका यूपीएससी नेम है तो सिंपल सी। यस सर। ठीक है ना। और सबसे ज्यादा इथाइल अल्कोहल का यूज किया जाता है, तो तुम्हें पता है इथाइल अल्कोहल का बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल एल्कोहल की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान समझना। देखो अब इसके इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, ये कैसा होता है? कलरलेस लिक्विड होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 78 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, इसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होगा कि कितना क्या होगा केल्विन में बताओ? 273 प्लस यस सर ऐड 78 कर देंगे। यस कितना हो जाएगा? यस सर 351 केल्विन। 351 केल्विन। ठीक है, अब ध्यान समझना। यहाँ पे एथेनॉल में यदि हम बात करते हैं तो एथेनॉल में क्या होता है? एथेनॉल है 5% यदि वाटर को रखता है, उसको हम बोलते हैं सिंपल क्या बोलते हैं? रेक्टिफाइड स्प्रिट। मतलब एथेनॉल क्या बोलो कितना कंटेन करेगा? सिंपल 5% वाटर को यदि क्या करेगा, कंटेन करेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टिफाइड स्प्रिट बोलते हैं। ये बात तो आप लोगों को पता है। अच्छा, एल्कोहल कैसा होता है? न्यूट्रल कंपाउंड होता है और इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है किस पे? लिटमस पेपर पे। कैसा नहीं होता बोलो? इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा सिंपल लिटमस पेपर पे। तो ये बात तो तुम्हें सिंपल सी बात है। अब ये तो याद नहीं आ रहा कि भैया दुकानें वकाने समझ में आ रही हूँ। वैसे भी तुम देखते हो लोग भागे एथेनॉल के लिए तो बिल्कुल भागे भागे घूमते हैं, पता है? इसीलिए तो लोग कंजम्पशन कम करें एथेनॉल एथेनॉल को, तो हम क्या करते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल करते हैं। इसमें क्या मिला देते हैं? मेथेनॉल को मिला देते हैं। मेथेनॉल को मिलाने से क्या होता है सिंपल बोलो? वो क्या हो जाता है आपका सिंपल, जो एल्कोहल होता है एथेनॉल वो जहरीला हो जाता है। एथेनॉल क्या होता है? जहरीला बहुत होता है। ठीक है, ये बात समझ लो। इसलिए ज्यादा से कम सेवन हो। आप जानते हो एल्कोहल का तो सेवन दुनिया करती है, बहुत ज्यादा करती है। करती है नहीं करती है? क्यों, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम तो आज शांत शांत थे, थके थके लग रहे हो, कैसा क्या हो गया? कुछ नहीं सर। सब ठीक है? यस सर। चलो अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात करें, यदि मैं एथेनॉल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराता तो क्या मिलता है आपका? CO2 मिलता है, H2O मिलता है, प्लस हीट मिलता है, प्लस लाइट मिलता है।
आपको पता है, सुनकर एथेनॉल मतलब यहाँ पे कम्बस्चन करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, कम्बस्चन। अच्छा, जब जब हीट रिलीज होती है, जब जब आपकी हीट रिलीज होती है तब तब कौन सी रिएक्शन होती है सर? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, बिल्कुल। अब यदि एथेनॉल का हम बात करें, ये एज ए फ्यूल की तरह भी यूज किया जाता है, इसको हम इसमें पेट्रोल में यूज करते हैं, मतलब थोड़ा सा पार्ट हम क्या मिला एथेनॉल का पेट्रोल में मिक्स कर देते हैं। ये बात क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर? तो एथेनॉल के बारे में समझ में आया कि एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 78। अरे मान लो आपको एल्कोहल और वाटर को मिक्स करना है, हम इन दोनों को सेपरेट करना है, तो कैसे सेपरेट करेंगे? सर डिस्टिलेशन से। वेरी गुड, हम क्या लगा देंगे? डिस्टिलेशन से, मतलब हम क्या करेंगे, सिंपल हीट कर देंगे और ऊपर थर्मोमीटर लगा देंगे, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होंगे, जो कम जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा आसानी से। ये सब पहले ही इवेपोरेट हो जाएगा। बिल्कुल सर। और सर इसमें जो स्पेशल टाइप ऑफ डिस्टिलेशन यूज करेंगे ना, क्योंकि जो डिफरेंस है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स का वो 22 डिग्री सेल्सियस ही है। बिल्कुल बिल्कुल। सर बीच यूज कर, बोलो सर, लास्ट स्क्रीन पे लगाना एक बार। लो लगा दिए, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी पढ़ाया था, याद हो तुम्हें, हमने बोला था जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराते थे एथेनॉल की, तो क्या बनता था, बोले इसको क्या बोलते हैं सर? ऑक्सैलिक एसिड। ना, इसको नाम क्या है? ऑक्सैलिक एसिड इसे बोलते हैं, इसको हम ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। ये क्या होता है इसको? अरे सर, हां ये सर कार्बोक्साइलिक एसिड। तो सर नहीं, करी बनेंगे नहीं, एथेनॉइक एसिड होता है। आईयूपीएसी नेम भूले, ऐसा कॉमन नेम जो होता है वो होता है एसिटिक एसिड। यस सर, लेकिन जनरल फॉर्म में तो हम कार्बोक्साइलिक एसिड ही लिखते हैं ना। तो जनरल फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन इसका काम, इस कंपाउंड का नाम तो अलग होगा ना। यस सर, इसका तो एथेनॉइक होगा सर, मुझे लगा आप जनरल में पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, अब जैसे मान लो आप प्रोडक्ट बनाओ, जैसे मान लो चलो हमने कभी इसको ले लिया, अब मान लो हम इसको ही ले लें OH, तब क्या बनेगा? आप इसका सिंपल क्या करा दो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करा दो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर, इसकी रिएक्शन आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करा दो। क्या बनेगा? सर फर्स्ट केस में तो प्रोपेनोइक एसिड बन रहा है। वेरी गुड। और थर्ड सेकंड केस में? जो यहाँ पे ये कैसा है, CH2 है, तो बस इसको बना दो कार्बोक्सिलिक एसिड। जैद सिवांस, अब तो तुम्हारे केमिस्ट्री तो सचिन सर ही पढ़ाएंगे, तो मैं तुम लोग कह रहे थे। क्यों सिवांश, सिवांश कहाँ गया? सर यही हूँ। हाँ, अब तो तुम्हें केमिस्ट्री सचिन सर ही पढ़ाएंगे फिर, क्यों? सर मैं तो आपको कह रहा था। एक भेज दे सचिन सर को। सर कौन? नहीं, सिवांश का कहना है कि सचिन सर अब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, भेज दें। सर मेरा कहना है कि वो आप थोड़ा बच के रहो बस। अरे चिंता है, मैं आपकी पढ़ा देंगे सर, वो सब का ट्राई कर रहे हैं सर। तो मतलब तो फिर तो तुम ये सोचते हो कि एक ही टीचर सब कुछ पढ़ा दे रहा। अच्छा एक चीज बता, मैं तुम लोगों के हिसाब से कौन अच्छा होता है, एक टीचर सब कुछ पढ़ाता वो अच्छा होता है, या सर ऑफ कोर्स सब अलग अलग पढ़ाते हैं सर, फील्ड में ज्यादा डेप्थ पढ़ पाते हैं फिर। वेरी ना, तो सचिन सर मस्त, मुझे पता है, ये पता है कल इसने मेंटी में भी क्या लिखा, अंकित सर बच के। ए तुम लोग जीत ही रहे हो, क्या बात है, मेंटी मेंटी क्या हो रहा है तुम लोगों के साथ? सर मेंटी हुई थी कल अल्टीना मेंटी, हम लोग खेले ही नहीं, जीते ही नहीं, हमें तो कोई दिख ही नहीं रहा है। जैद तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया एकदम तुरंत, गुलाब पंगे नहीं लेता हूँ, क्यों जैद? यस सर कल मैं था नहीं सर, इस वजह से नहीं। सर 22 से फिर बोर्ड चालू हो जाएंगे ना? 22 से बोर्ड चालू सर? यस सर, अगर माइनर सब्जेक्ट जोड़ें तो। यस सर 22 से। अच्छा बड़ा पंगा सर, संस्कृत का है। संस्कृत भी पढ़ते हो तुम लोग?
सर पढ़ते हैं ना, तो वो भी पढ़ते गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छति सर समझ नहीं आता बस गच्छामि गच्छावा गच्छामि आवामा। अरे यार क्या बात सर, हमारे स्कूल में तो वैसे ही हटा दी, और बाकी स्कूल में मैंने सुना ऑप्शन दिए हैं कि संस्कृत और हिंदी में से। एक और बात हो जाती सर, सर मैंने तो संस्कृत चूज की थी सर, मेरे को तो सर पढ़नी पड़ेगी सर, कोई चूज करने को नहीं आया सर। एक मिनट रुकना, एक मिनट बच्चे बात। यस सर, हेलो सर, सर आप कुछ बोल रहे हो, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मैं एक सेकंड रुक लेंगे, दुकने के लिए बोला है। ओके हेलो। यस सर। आनंद कहाँ पे थे दिनों से तुम? आनंद बोला हाउ मैनी लेक्चर, हमने कितना यूपीएससी पढ़ाया। चलो आगे बढ़ते हैं सर। सर एक सेकंड, लास्ट पेज पे कर दीजिएगा सर। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है सर सेकंड रिएक्शन में, सर उसको नेम कैसे करेंगे बेटा? इसका नाम इसको ये बोलेंगे साइक्लो एक्शन। हुए कैसे सर? तो मतलब इसमें COOH से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, अब फिर या तो इसको इसको मैं जब प्रीफिक्स की तरह भी लिख सकते हैं, वन कार्बोक्सी साइक्लो एक्शन भी बोल सकते हैं हम उसको, अब नंबरिंग नहीं दे सकते। ओके सर। सर तो मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स होगा वो कार्बोक्सी हो जाएगा। ओके सर। अब यहाँ पे देखो, जब भी आप एथेनॉल की रिएक्शन, इसकी रिएक्शन एथेनॉल की रिएक्शन आप सोडियम से कराएंगे तो क्या बनता है आपका? C2H5ONa बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है आपकी? इवॉल्व होती है। सर ओ के ऊपर बार क्यों बना है? बेटा बार नहीं है वो, ओ एक्चुअली यहाँ पे गलत लगा, ये ऐसा है C2H5O पे नेगेटिव चार्ज होता है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके सर, उसका नेगेटिव सेंटर में आ गया। हाँ, ये रिएक्शन होता है टेस्ट फॉर एल्कोहल, इसके लिए यूज करते हैं हम। बोलो ये होता है सिंपल, यदि आपको डिस्टिंग्विश करना है एल्कोहल है या नहीं है तो किसको किससे रिएक्शन करा दो आप बताओ? सिंपल, आप सोडियम से रिएक्शन करा दोगे तो आपका क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, आप समझ जाएंगे यहाँ पे एल्कोहल। तो रिएक्शन इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर एल्कोहल, ठीक है? अब देखो ध्यान समझना, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन गैस मिलती है किस फॉर्म में मिलती है? पॉप साउंड में। यस सर, पॉप साउंड में सर, बर्निंग के टाइम पे ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है यहाँ तक तो ये बात आपको क्लियर, ध्यान। चलो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बचा नहीं है इसमें, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं। फिर हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे बाकी क्लास। नहीं, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन।
है, ईस्टिफिकेशन रिएक्शन की हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान समझना, ये ईस्टर बनाने का मेथड है। जब हम कार्बोक्जिलिक एसिड की रिएक्शन, ध्यान समझना इन जनरल लिख रहा हूँ मैं, जब भी आप कार्बोक्जिलिक एसिड की रिएक्शन एथेनॉल से कराएंगे या एल्कोहल से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो CH3 COOC2, अरे यार मैं ऊपर वाला देख के लिखा, यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा सिंपल R C2H5 प्लस वाटर। अभी यस सर, वाटर ही बचेगा सर क्योंकि उसमें से एक बात ध्यान रखना, ये कैसी रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब समझते हो सर, वापस मिथाइल रिएक्टेंट कर सकते हो, मतलब आप जब यदि इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे, क्या कर दोगे आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपको फर्दर क्या मिल जाएगा, कार्बोक्जिलिक एसिड और क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। यस, और यहाँ पे स्वीट स्मेल आती है बहुत अच्छी, इसको बोलते हैं ईस्टिफिकेशन रिएक्शन। अब जैसे मान लो आप कोई भी बनाओ प्रोडक्ट CH3 COOH, खुद से बनाओ प्रोडक्ट, ऊपर वाला खुद से ही बन जाएगा, C2H5OH से कराओ, अब मान लो H+ भी लिख दे तब भी आप समझ जाओ ईस्टिफिकेशन रिएक्शन, इसकी रिएक्शन कराओ बनाओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। सर डन, क्या बनेगा यहाँ पे CH3 COOH तो सर C2H5 और सर H2O, यहाँ पे क्या बनेगा सर CH3 CH2 COO सर C डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन के साथ सर फिर C2H5 और सर O2 सॉरी सर H2O। एक बार बनाओ प्रोडक्ट, जैसे मान लो CH3 CH2 COOH हो गया प्लस इसकी रिएक्शन हमने करा दी CH3 CH2 CH2OH से, अब बताओ क्या बनेगा। सर CH3 CH2 COO सर CH3 फिर CH2 CH2 सर क्या ये बनेगा CH3 CH2 COOO और ये हो जाएगा आपका सिंपल सर फिर CH3 CH2 CH2 ओके सर CH2 CH2 सर फिर CH3। आप सिंपल कुछ मत करो, H2 निकाल दो यदि आप देख रहे हो तो, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, COOO OH लिया और यहाँ पे ये एल्कोहल लिया, आपने क्या निकाला H2 निकाल दिया सर, उधर का OH और उधर से H निकाल देंगे। क्लियर? यस सर। सर इसमें से भी तो वाटर निकलेगा ना, नीचे वाले में से, किसमें से सर, सबसे नीचे वाले में भी वाटर निकलेगा ना, वाटर तो सभी में निकलेगा। ओके सर। अच्छा इसका IUPAC नेम कोई बता सकता, कैसे लिखेंगे इसको, नंबरिंग यहीं से करते हैं 1 2, इसको एज एल्काइल की तरह बोलते हैं और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो 8 होता है, तो यदि हमें इसका नाम लिखना है तो सिंपल लिखते हैं इथाइल, ये दो तो ये हो गए इथाइल एथ एन ओएट, ओएट लगा देते हैं बस, यहाँ भी क्या हो गया तो इथाइल हो गया प्रोपेन ओएट,
ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल प्रोपेनोइट इस तरीके से हो जाएगा। सर इधर दूसरी साइड से नहीं करेंगे? ओके सर, नहीं बेटा ओ के साथ देंगे आप, कार्बन को ही नंबर वन देंगे, इसी नंबर पे कार्बन को नंबर वन लेंगे और सर बीच में ऑक्सीजन तोड़ रहा है बॉन्ड। बिल्कुल ओके सर। आज बताओ ऐसा कौन कौन बच्चा है जो इससे पिछली क्लास में नहीं आया है, कोई ऐसा बच्चा है वो बता सकता है ईमानदारी से अपने? एक बार पीछे करना, सर काफी बच्चे खड़ा कर रहे हैं हाथ। नारायण कहाँ थे तुम इससे पहले, तुम भी नहीं थे क्लास में? और तेरा क्रिस तुम कहाँ थे? सर उस दिन मेरा एग्जाम था इसलिए सर इवनिंग शिफ्ट में जाना पड़ा। अच्छा संभव? सर मेरा भी एग्जाम था। ऋषभ सर सर मैं थोड़ा पिछले वाला पढ़ रहा था क्योंकि सर मैंने पहले की क्लास में नहीं थी थोड़ी एक दो। तुमने पहले भी क्लास नहीं, तुम लोगों ने बहुत से बच्चों ने भैया ऐसा मत करो गड़बड़ काम मत करो, बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, हम रिवीजन भी करा देंगे, हम सोचे टाइम मिलेगा तो रिवीजन भी करा देंगे। तो देखो यहाँ पे आप समझो यहाँ पे इस तरीके से एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होती है, ध्यान समझना अच्छे से ठीक है। और यहाँ पे क्या है सिंपल, यहाँ पे ईस्टर क्या बनता है, मेन प्रोडक्ट बनता है, और ये आप जो यहाँ पे कंसेंट्रेटेड H2SO4 होता है वो एज ए कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। कैसे? कैटलिस्ट की तरह। और ये कैसा, मैंने पहले बताया था यहाँ पे कैसी स्मेल मिलती है, स्वीट स्मेल मिलती है ठीक है ना, क्या मिलती है स्वीट स्मेल मिलती है बहुत अच्छी। यहाँ पे देखो आप ये आपने क्या लिया, फनल लिया, ये आपने इसको हीट किया मिक्सर को, सिंपल कूलिंग वाटर है यहाँ पे। वाटर क्यों ले रहे पता, क्योंकि वेपर कंडेंस हो जाए, क्या हो जाए बोलो, वेपर कंडेंस हो जाए। यस डिफरेंट से, यस तो पहले वेपर लीबेक्स कंडेंसर। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये डिटेल में पढ़ाता हूँ मजा आ जाएगा। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ाता हूँ, देखो तुम्हें 11th में कितने तुम इसको हाई लेवल पे पढ़ोगे, मैं इसमें थोड़ा सा पेजेस ले लेता हूँ ठीक है। मैं एक तुम्हें झलक दिखा रहा हूँ कि इसी रिएक्शन के थ्रू डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, देखो यहाँ पे क्या होता है, जब आप एल्कोहल की रिएक्शन, इसकी रिएक्शन एल्कोहल की रिएक्शन आप कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराते हो, किससे कराते हो, कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो आपका डिहाइड्रेशन होगा, तो क्या बनेगा आपका सिंपल एल्कीन बनेगा ठीक है। अब ध्यान समझना, जब आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 से बना करा दिया और आपने सिंपल एल्कीन बना दिया, यहाँ पे एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। जैसे मान लो आपने ये एल्कोहल ले लिया CH3CH2OH, तो अब आपको प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनाना है प्रोडक्ट, आपने क्या करा दिया इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से करा दी, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ, आपने ये ले लिया CH3CH OH CH3, आपने इसकी रिएक्शन भी किससे करा दी कंसंट्रेटेड H2SO4 से, आपने ये भी ले लिया, आपने इसकी रिएक्शन भी कंसंट्रेटेड H2SO4 से करा दी, क्या बनेगा सर? पहले केस में तो CH3 डबल बॉन्ड CH प्लस H2O है? सर CH2 होगा ना, प्रोडक्ट फाइनल बताओ, IUPAC नेम बताओ क्या बनेगा, कोशिश करो ट्राई टिल यू सक्सेस। Oh.
सर फर्स्ट वाले में C2H4 बनेगा। C2H4 वेरी गुड जय। क्या बनेगा C2H4 मतलब क्या बनेगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसका क्या होगा UPSC नेम सिंपल बताओ इथीन। इथीन यस सर। इथीन को क्या बोलते हैं बोलो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 शायद ये तुम्हारे उससे पोर्शन से डिलीटेड है लेकिन NTSC में पूछा जाएगा यहाँ से इसको क्या बोलेंगे हम प्रोपीन। प्रोपीन इसको क्या बोलते हैं सिंपल जब आप डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कराओगे तो ये आपके एल इसको क्या बोलेंगे साइक्लोहेक्सीन। यस सर। ठीक है यस सर। अब देखो चल अब हम सब इम्पोर्टेंट कुछ क्या पढ़ लेते हैं एथेनॉल के यूजेस पढ़ लेते हैं। तो देख रहे होंगे तुम्हें ये बोतल है तो जिनका आदमी बहुत आदि है पैसा लुटाता रहता है। यस सब देखा है। तो एथेनॉल जो होता है इन दी फॉर्म ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट किस फॉर्म में होता है एथेनॉल बोलो रेक्टिफाइड स्पिरिट के फॉर्म में होता है जिसमें क्या होता है 95% तो एल्कोहल होता है 5% क्या होता है वाटर होता है। इसको यदि आप बात करें तो इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक के फॉर्म में भी यूज किया जाता है ठीक है। और इसको इंजेक्शन से पहले सीबो जब आपको इंजेक्शन लगता है ना समझ जो आपको लेके लाता है वो दही में वो एथेनॉल सिंपल ठीक है। अच्छा अब आपको पता है एथेनॉल इज यूज्ड इन एल्कोहलिक बेवरेजेस बियर रम बिस्की ब्रांडी सब है ETC देख लो तो मैं सब कुछ यहीं सॉल्व करा दिए सारे करना अब मत करना आगे सॉल्व ठीक है यहीं कर लो। सर मैं तो चाय नहीं पीता सर आप क्या बात कर रहे हो। क्या सर मैं तो चाय नहीं पीता सर आप क्या बात कर रहे हो। अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ तुम कुछ पीते हो मैं कह रहा हूँ कि बस दूर से ही सम्मान कर लो बस खत्म जाना नहीं है वास स्मेल होती है दूर से नमस्ते दूर से नमस्ते। अब देखो यहाँ पे समझो कृष्णा तो सीरियस हो हमने कहा कृष्णा शायद वहीं से आने वाला है सीधा बोला अंकित सर कहाँ है बुलाओ यहाँ बुलाओ यहाँ अभी बुलाओ एकदम गुस्से में बोला कृष्णा। अच्छा सर मैं क्यों गुस्सा होऊंगा। अच्छा लगा नहीं लगा बताओ किस किस को लगा। सर मुझे लगा। यस लगा लगा ना कृष्णा एकदम ऐसे बोला एकदम गुस्से में और लाल पीला हो गया बोले बुलाओ अंकित सर को कहाँ है पकड़ो पकड़ो क्यों भाई। सर मैं गुस्सा नहीं करता इन चीजों में। आगे बढ़ते हैं देखो इसको हम सिंपली एथेनॉल को हम इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं जो सॉल्वेंट फॉर पेंट लैक्वर टिंचर आयोडीन कप सिरप परफ्यूम्स में भी इसका हम यूज करते हैं ठीक है। अब देखो इसका हम स्पेशली यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ डाइज कॉस्मेटिक्स ट्रांसपेरेंट सोप इनमें भी हम इसका यूज करते हैं ठीक है। यस सर। तो ये तो बात होगी सिंपल। अब देखो हार्मफुल हमने भी हाल बताया था एल हार्मफुल इफेक्ट क्या था सिंपल बोलो जैसे मान लो आप एल्कोहल का कोई ज्यादा सेवन करता है तो वो क्या हो सकता है डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम तभी तो देखते हो तुम वो नाली नाली नालों में पड़े रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं लोग ठीक है ना। और पर्सन लॉस सेंस ऑफ जजमेंट सेंस ऑफ फीलिंग एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन सब कुछ वो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता सिंपल। यस सर। सर नशे होते हैं ना। अब देखो मिथाइल एल्कोहल की हमने बताया था सिंपल मिथाइल एल्कोहल को उसमें मिलाते हैं क्यों मिलाते हैं क्योंकि क्या हो जिससे वो आपका क्या नहीं हो बोलो लोग उसको इनटेक ना करें ठीक है ना टेकिंग ना करें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इट रिएक्ट रैपिडली एंड कोगुलेट प्रोटोप्लाज्म इट इफेक्ट ऑप्टिक नर्व कॉजिंग ब्लाइंडनेस मतलब मिथाइल एल्कोहल का ये मतलब है सीधा सीधा कि ये क्या करता है ब्लाइंडनेस मतलब आंख अंधा बना देगा यदि आप मिथाइल एल्कोहल को ले लोगे तो क्या बना देगा अंधा बना देगा ठीक है ना। अब देखो अब इनटेक ऑफ इट इवन स्मॉल क्वांटिटी यदि आपने थोड़ी सी भी क्वांटिटी में इसको टेक कर लिया तो क्या हो गया आपकी डेथ हो जाएगी इसीलिए इसमें क्या होता है इट इज मिक्स्ड इन रेक्टिफाइड स्पिरिट टू मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग किसके लिए जिससे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज ना हो सके कौन सा बोलो एथेनॉल।
इसी को हम बोलते हैं सिंपल दिस इज कॉल्ड डीनेचर्ड एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको हम, बोलो सिंपल, डीनेचर्ड एल्कोहल। ये बात क्लियर? यस सर। अब देखो, अब ध्यान समझना, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी हम बात करें, यदि एथेनोइक एसिड में 5 से 8 परतों, ये सब थ्योरेटिकल चीजें, ये आपको याद ही रखनी पड़ेंगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। मतलब सिंपल, एसिटिक एसिड में 5 से 8% क्या होता है, बोलो सर, विनेगर। नहीं, गड़बड़ बोल रहा हूँ, उल्टा हो रहा है। 5 to 8% मतलब वाटर में 5 से 8% क्या होगा आपका एसिटिक एसिड होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, सिंपल विनेगर बोलेंगे। ये तो आप घरों में, आपने वाटर बोल दिया था क्या? हाँ, आप एक घरों में भी यूज करते हैं, आपने देखो अचार वचार में विनेगर डाल देते हैं। यस सर, पिकल देखते हैं ना। हाँ, सिंपल कपड़े धोने में, कपड़े धोने में विनेगर क्या यूज करते हैं, ये तो मैंने नहीं सुना सर। खाने में सर, कुछ टेस्टी सी चीज बनाने में भी करते हैं। Which is used as preservative for pickles, जो लिखा भी अचार के लिए। इसका melting point जो होता है 290 Kelvin होता है। It often freezes during winter and cold, ठीक है ना? अब देखो, इसका भी general formula हम देखें तो क्या हुआ? General formula, जो ये simple किसका homologous होगा, homologous series। Actually इसमें carboxylic acid ही होता है vinegar में। जैसे अब यहाँ पे R लगा दो, RCOOH। एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड, आप फॉर्मिक एसिड समझते हो किसे बोलते हैं? HCOOH को क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। आप फॉर्मिक एसिड को छोड़ दो, सिंपल। एंट किस डंक में होता है ना? किसमें? सर चींटी जब काटती है। हाँ, उसमें भी होता है, चींटी काटती है, ठीक है, ये बात ध्यान रख लोगे? यस सर। ज्योत्सना नहीं बोल रही आजकल, क्या आप, ज्योत्सना बड़ी शांत शांत है, क्या हो गया ज्योत्सना को, अभी भी नहीं बोल रही है, गुस्सा हो गई क्या? सर वो क्लास में ही नहीं है। क्लास में ही नहीं है? अरे सर अभी तो क्लास में ही नहीं है। यस सर। अब देखो, इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, जो सिंपल सी बात है, आपको पता है एसिटिक एसिड कैसा होता है? सर एसिडिक। एसिडिक होता है, क्यों एसिडिक होता है, क्योंकि देखो आपको पता है एक्वस सॉल्यूशन में जब ये जाएगा तो क्या होगा, ये आपका H+ आयन रिलीज करेगा, और जब H+ आयन रिलीज करेगा तो ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को सिंपल रेड में कन्वर्ट। अच्छा एक बात बताना मुझे, ये तो हो गया एसिटिक एसिड की बात अपने कर ली, अब ब्लू लिटमस पेपर है जैसे ये रेड में हो गया, क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड? सर वीक होगा, वीक एसिड। अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को कैसे बोलेंगे सर? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे कंपैरिजन करेंगे। अब देखो आपको पता है किसी भी एसिड की रिएक्शन यदि हम किससे करा देते, याद हो तुम्हें, हम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से करा देते, यदि तुम्हें याद हो जब आप छोटे छोटे थे, मेटल नॉन मेटल एसिड बेस सॉल्ट में ही पढ़ाया था मैंने, जब आप किसी भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की रिएक्शन, बोलो देखो वहीं से सीधा सीधा है, एसिड से रिएक्ट किससे कराओगे आप सिंपल एसिड से रिएक्शन करा रहे हो तो क्या बनता था आपका सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 प्लस H2O। तो सेम चीज यहाँ होगी, अब तुम खुद ही बनाओ, सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन आप एसिटिक एसिड से कराओ क्या बनेगा सर? सोडियम एसिटेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये जो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, मैं तुम्हें जनरल तरीका बताता हूँ, ये बच्चे रिएक्शन याद करते हैं टट्टा मारते, सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन एसिटिक एसिड से कराएं, जब आपका सोडियम एसिटेट मिलेगा प्लस वाटर प्लस H2O, फिर सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन एसिटिक एसिड से कराएंगे सोडियम एसिटेट प्लस H2O प्लस CO2, याद करते हैं ऐसे रट्टा मारते हैं। यदि आप एक फंडा क्लियर कर लो, इस ट्रिक को याद रखो, जब जब आप कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O मिलेगा। तो यहां भी क्या मिलेगा, यहां मिलेगा CH3COONa प्लस H2O प्लस CO, सिंपल, ठीक है। अच्छा अब मान लो हम इसी की रिएक्शन किससे करा दें,
अच्छा मान लो एन ए टू, एक मिनट मैं पेज ले लेता हूँ, एक मिनट यार ये तो हैंग करने लगता है लैपटॉप। जैसे मान लो क्या बनेगा, सर CH3COONA+CO2+H2O सी डबल ओ एन ए प्लस सी ओ टू प्लस H2O। ठीक है फिर से देख लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया। चलो और बनाओ कुछ प्रोडक्ट, जेड एन सी ओ थ्री ले लिया प्लस हमने इसकी रिएक्शन करा दी एस सी एल से, बनाओ प्रोडक्ट Na2CO3 ले लिया इसकी रिएक्शन हमने करा दी H2SO4 से, बनाओ प्रोडक्ट NaSCO3 करा दिया इसकी रिएक्शन हमने करा दी सिंपल HCl से, बनाओ प्रोडक्ट। MgCO3 की रिएक्शन HCl से करा दी, वेरी गुड। यहाँ पे क्या बनेगा सर, ZnCO2+H2O+CO2। ये कौन, ये कोई कोई पढ़ रहा है कुछ, कोई मेंटी भी खेल रहा है क्या यहाँ पे, कितने बच्चे जो मेंटी खेल रहे हैं अभी? सर मैं तो नहीं खेल रहा। कौन खेल रहा है, ये कोई हैं? सर मैं भी नहीं खेल रहा। सर मेरे पीछे सर थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज है, अभी मैंने खोला इसलिए सर मेरे पीछे आवाज आई होगी वॉइस। क्या खेल देख रहे थे तुम? नो सर, मेरे बगल में सर मेरी सिस्टर बैठी है ना, तो वो पढ़ रही थी, उसकी आवाज आई होगी। क्या पढ़ रही है वो? सर सर एक्चुअली मैं भी घर पे नहीं हूँ सर, तो छोटे बच्चे हैं सर थोड़ा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है, Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O प्लस H। यहाँ पे क्या है, Na ओके सर प्लस CO2 प्लस H2O। यहाँ पे MgCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। यहाँ पे MgSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। तुम लोग 11th क्लास वो ब्रिज कोर्स के लिए रेडी हो गए ना? रेडी हो? यस सर। बिल्कुल सब लोग। सर हमारे ब्रिज कोर्स NTSC के बाद होगा या पहले? वो तो मैं अभी अभी तो NTSC के एग्जाम तक तो अपन रिवीजन करेंगे, अभी 9th क्लास की रिवीजन कर लेंगे जल्दी से पूरा। ठीक है, अपन पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोशिश करेंगे, मैं तो मैं NTSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दूंगा, लेके आएंगे अपन एक एक चैप्टर सीधे खत्म करेंगे, समझ लो। फिर ब्रिज कोर्स करने, हम लगता है एनटीएससी के पेपर के बाद ही करना चाहिए ब्रिज कोर्स, तभी आई थिंक मुझे लगता है अभी मैथ का भी तो वहां से लेवल अच्छा होगा। लेकिन जनवरी में तुम्हारा बैच स्टार्ट हो जाएगा, देख लेंगे हमारा जो मैनेजमेंट क्या डिसाइड करता है। तुम लोगों को क्या लग रहा है, कैसा डिसीजन है, ये सही है क्या है, क्या लगता है तुम लोगों? सर जनवरी में ही। और क्या, ब्रिज कोर्स सर बढ़िया है सर, रिवीजन हो जाएगा सर एनटीएससी से। ब्रिज कोर्स का मतलब समझते हो तुम, जब तुम निकलोगे ना 3 महीने बाद उस कोर्स को पढ़ने के बाद, तो ये मान लो जब तुम 11 पढ़ोगे तो तुम क्या इमेजिन करोगे, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो तुम लोगों को क्या लेके चलना है। बहुत सारे प्लान सर, वो हमारा जेई प्रिपरेशन के टाइम को बढ़ा देगा 2 साल से। हाँ वो टाइम को बढ़ा देगा, और प्लस अलग ही लेवल से सोचना है, हमें सिलेक्शन चाहिए क्योंकि हमें पता है, हम लोगों ने तुम पे वर्क कर रहा हूँ, हम लोग तुम पे वर्क कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता है तुमने पोटेंशियल क्या है,
तुम्हें किस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन क्या है, कौन सा तुम्हें किस तरीके से डील करना है, हमें सारा बताना। तो बहुत ध्यान से समझना इस बात को, और नहीं समझोगे मैं तो सीधा बोलता हूँ, फिर क्या करोगे यहाँ वहां, बोलो क्या हुआ यहाँ वहां, भटकते फिर हम भी यही है, तुम भी यही है, भटको हम तो बस सलाह देते हैं। सही है क्यों अर्नब, सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? यस सर सही बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तुम लोगों पे जो वर्क कर रहे हैं ना, ये मान लो हम लोग जो कर रहे हैं अंडर 100 रैंक का प्लान कर रहे हैं तुम लोगों से, कितना अंडर 100 रैंक, चाहे नीट में जाओ चाहे जेई में जाओ, तो अंडर 100 की तरह कोई सोचेगा? नहीं सोचेगा, इसीलिए वो प्लान लेके चल रहा है। और इसीलिए ये बैच ही तुम्हारा जो बैच है ना बिल्कुल सेपरेट रहेगा, तुम्हारे बैच में कोई इंटर थोड़ी ना होने वाला है, तुम क्या सोच रहे हो इंटर होंगे 2 साल में? कोई इंटर नहीं होने वाला तुम्हारे बैच में, जो वही इंटर होगा भी तो इक्का दुक्का वो होंगे जो तुम्हारे जैसा सोच पा रहे होंगे, समझ रहे हो? तुम्हारा एक सेपरेट बैच ही है जो जिसका नाम ही अलग रखा जाएगा, ये सब नहीं रखा जाएगा, सीधा क्रैकर बैच या बिल्कुल फाड़ू बैच, बिल्कुल फोड़ू बैच, ऐसे इस तरीके से कुछ उल्टा पुल्टा नाम रखेंगे। क्या रखना चाहिए तुम लोग बताओ नाम बैच का, बोलो सर। अभी करंट नाम क्या है सर हमारे बैच का? अभी तो रेडिकल बोलते हैं हम लोग। ओके सर बोलो। वॉरियर बैच। वॉरियर बैच, क्या बात। तो तरन सर भी आ गए, तरन सर भी बता दे, तरन सर इन बच्चों के बैच का जो नाम होना है ना 11th में, वॉरियर बता रहे हैं बच्चे, उसी हिसाब से नाम होना चाहिए, तगड़ा वाला। लड़ाकू भी हैं, भयंकर वाले सर। और बताओ और कोई नाम, जैद तुम बताओ। सर जो क्रिश बोलने वाला था वही बोलने वाला था। अच्छा अर्नब। सर कुछ अभी याद तो नहीं आ रहा है लेकिन सर कुछ ऐसा ही बढ़िया लगेगा। मानस। सर अंडर 100 बैच। अंडर 100 बैच वो तो नॉर्मल हो गया, वो मतलब ऐसा लगे फीलिंग आया उससे, अंडर 100 तो तुम्हें चाहिए, वो तो मैं फीलिंग कराता रहूंगा तुम्हें। और भी बताओ अच्छा सा नाम। किलर बैच। किलर बैच, क्या बात, ये कौन बोला? सर पिनेकल। सर अनम। कौन? सर अनम। अनम, अरे क्या बात है, किलर बैच। और बताओ कौन नाम बताया थे तुम? पिनेकल। पिनेकल पिनेकल ये तो मजा नहीं आता, किलर बैच भी ठीक है, हम ऐसे नाम सोचे थे, थोड़ू बैच तोड़ू बैच इस तरीके से नाम सोचे, सीधा खत्म बात। नहीं सर किलर बैच ही रख दो। किलर बैच, अच्छा चलो देखते हैं जिसका सबसे। पल्सर बैच रख दो। पल्सर बैच देखो, अब बाइक के भी नाम आएंगे, फिर क्या दो पैशन बैच रख दो, फिर क्या दो स्प्लेंडर बैच रख दो। हाँ सर मैं तो पल्सर कह रहा था सर, ब्लैक होल अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा हमें पता, तुम वहीं आओगे थोड़ी देर बाद। सर और कुछ नहीं आया। चलो आगे बढ़ते हैं। सर पैराडॉक्स रख। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स भी नहीं, थोड़ा और तगड़ा बताओ। रैंकर्स बैच, कैसा रहेगा? अच्छा ही लगा, पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, सोचो अभी सोचो यूनिवर्स बैच। अरे क्या सही, रैंडम बैच सही है यार। और किसने नाम रखे? लीजेंडर्स, ये भी अच्छा नाम है, वेरी गुड। एस्टोन मार्टिन बैच, नहीं ऐसा बाहुबली बैच, ये भी थोड़ा हट। केल्विन आर्मी, वेरी गुड, ये भी अच्छा है, केल्विन आर्मी बाहुबली बैच भी अच्छा है। सर यहाँ वहां पानी पूरी बेचेंगे, अच्छा डायन उस बात पे लिख रहा था, बिल्कुल अच्छा ठीक है ठीक है, बाहुबली बैच भी अच्छा है तुम्हारा, मतलब बैच सेपरेट ही करने वाले हैं, मतलब तुम्हारे बैच में कोई एडमिशन नहीं होगा, सिंपल सी बात है, होगा भी तो वही टिकेगा जो तुम जैसा पढ़ के, बोलो
झेल रखे, पता चले तुम्हारा पेपर अलग आ रहा है वही बहुत ज्यादा, उसके जब टेस्ट वेस्ट हो जाए यदि सफल हो जाएगा बहुत ज्यादा, तब कोई जाके शायद जगह बना ले। चलो यदि आप देखो सिंपल एसिड की रिएक्शन किससे कराओगे बोलो, बेस से कराओगे तो सिंपल सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। यस यस ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब सिंपल यहाँ पे रिएक्शन विद एल्कोहल, ईस्टर्स आर फाउंड एंड रिएक्शन इज कॉल्ड ईस्ट, तो मैंने भी बता दिया था आपको ठीक है ना, जब आप ईस्टर किसी एथेनोइक की एसिड की रिएक्शन है किससे कराते हैं, एथेनॉल से कराया तो क्या बनना था, ईस्टर बनना था, तो पढ़ने पहले भी रिएक्शन पढ़नी है। यूजेस देख लो, इट इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ विनेगर, इन द फॉर्म ऑफ इन द प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स एंड सॉसेस ठीक है, सॉसेस में भी यूज किया जाता है, पिकल्स में भी यूज किया जाता है, विनेगर में भी यूज किया जाता है, विनेगर तो है सिंपल विनेगर ही प्रेजेंट है। अब देखो फॉर मेकिंग सेल्यूलोस एसिटेट, ये सेल्यूलोस एसिटेट बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, और इसको आर्टिफिशियल फाइबर जो कि इंपॉर्टेंट होता है आर्टिफिशियल फाइबर में इसका यूज किया जाता है, इसको मैन्युफैक्चर ऑफ एस्टोन यूज इन परफ्यूम्स में भी यूज किया जाता है, ये प्रिपरेशन फॉर डाइज, डाइज में, पेस्टीज में, फार्मास्यूटिकल्स में, इसमें भी इसका यूज किया जाता है। अब बताओ यहां तक किसी कोई डाउट तो बोलो। नो सर। नो सर। अब सोप और डिटर्जेंट की हम बात करने वाले हैं, तो पहले लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले लो, हमें सोप के बारे में बताओ, सोप क्या होते हैं और डिटर्जेंट क्या होते हैं, सोप क्या होते हैं पहले ये बताओ। साबुन। साबुन तो होते हैं मतलब क्या किसे बोलते हैं हम, तो सर बेसिक सब्सटेंस होता है ठीक है, और कोई बताए सर, जर्म्स और डर्ट को क्लीन करता है, और कोई बताए सर, इसमें सोडियम के कंपाउंड्स भी होते हैं सर। अच्छा और कोई, सर ये हाथ धोने के काम आता है। वाह बहुत सही, बहुत सही। सर सोप में फैट और ऑयल से होता है। सोप सिंपल किसे बोलोगे, सोप हम उसे बोलते हैं जिसमें सोडियम के और पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं, क्या होते हैं सोडियम और पोटेशियम के हायर सॉल्ट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं सिंपल सोप बोलते हैं। देखो COO- ध्यान समझना, हायर फैटी एसिड्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम सोप बोलते हैं, लिखा हुआ अभी सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर कॉल्ड सोप। अब यहाँ पे जो डिटर्जेंट की बात करते हैं तो डिटर्जेंट किसे बोलते हैं, जो अमोनियम सल्फेट सल्फोनेट या सल्फेट सॉल्ट होते हैं, इसमें लॉन्ग चेन ऑफ सिंपल क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसमें कार्बन जो कंटेन करता है वो कितने करता है 12 से 18 कार्बन एटम के बीच। सेम ऐसे यहाँ पे देखो ये जैसे आपका अमोनियम सॉल्ट आ गया ठीक है ना, समझ रहे हो, और ये कैसा है आपका COO- सोडियम एसिटेट, एसिटेटाइन आ रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं हम सिंपल सोप बोलते हैं, सोप मॉलिक्यूल है ये, और ये आपका कैसा है बोलो डिटर्जेंट मॉलिक्यूल। अच्छा कोई बच्चा हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर सुना है? यस सर सुना हूं। बताओ हार्ड वाटर किसे बोलते हैं सर, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हों प्रेजेंट होते हैं, वेरी गुड। और कोई बताए, बोलो क्लोराइड बाइकार्बोनेट सही सब प्रेजेंट होते हैं। यस यस सर, मतलब क्लीन करने के लिए यूज होता है बिल्कुल। यदि सॉफ्ट वाटर की बात करें तो सॉफ्ट देखो जो जनरली जो सोप होता है, सोप सोप जो वर्क करता है वो आपका सिंपल सॉफ्ट वाटर में वर्क करता है, में वर्क करता है बोलो सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर ठीक है ना, बहुत तेजी से वो लेदर का फॉर्म करता है, बहुत तेजी से वो कपड़े को क्लीन कर देगा। लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी जब वाटर कहता आता हार्ड आता है तो वहां पे सोप वर्क नहीं करता है,
वहां पे आप देखो स्कम बन जाएगा, स्टिकी हो जाएगा, समझ रहे हो? जैसे आप देखो सॉफ्ट वाटर का आप एग्जाम्पल देखोगे, रेन वाटर हो गया, डिस्टिल वाटर हो गया, ठीक है ना, डीमिनरलाइज्ड वाटर हो गया, जहां पे मतलब सिंपल सी बात है, जहां पे कंटेन ही ना करे मिनरल्स, जैसे क्लोरा सिंपल क्लोराइड सल्फेट इन सबको कंटेन ही ना करे, उसे हम क्या बोलेंगे बोलो? सिंपल, उसे हम सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट वाटर। ध्यान समझना, आप अभी क्लास 11th में भी ये चीजें पढ़ोगे, बस आप जनरल नॉलेज के लिए पढ़ लो। सॉफ्ट सोप किसे बोलते हैं? सिंपल हम सोडियम और पोटेशियम के फैटी एसिड्स को क्या बोलते हैं? हम सोप बोलते हैं। फिर हमने बात की यहाँ पे सॉफ्ट वाटर की, तो सॉफ्ट वाटर में क्या होता है? वाटर डेट प्रोड्यूस लेदर विद सोप, या लेदर बोलो या सिंपल आप फॉर्म बोलो, विद सोप डीडली बहुत आसानी से देता है, जल्दी देता है, उसे हम सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। जैसे जनरली रेन वाटर हो गया, डिस्टिल वाटर हो गया, डीमिनरलाइज वाटर हो गया। अब देखो सिंपल, अब यदि मान लो आपका वाटर वो फॉर्म को क्या नहीं करे बोलो, फॉर्म को आसानी से ना दे, वाटर जो है वो फॉर्म को आसानी से ना बना, फॉर्म समझते हो? झाग देखे होगे ना, झाग। यस सर। तो वो क्या होता है आपका सिंपल, जब आसानी से नहीं देगा उस वाटर को बोलते हैं सिंपल हार्ड वाटर। क्या बोलते हैं? हार्ड वाटर। जैसे एग्जाम्पल सी, आप देखो कभी भी नमक सी वाटर से आप नहाते हैं या नदी के पानी से नहाते हैं, तो आपको पता हुआ एक बॉडी आपका कैसा हो जाता है बोलो, कैसा हो जाता है सर? खराब, अजीब सा हो जाता है ना, स्टिकी नेचर का, स्टिकी सा हो जाता है सर, उसमें बहुत कुछ फैला रहता है, बाल बालों में बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाएंगे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरीके से सर, इसलिए नदी में कोई नहीं नहाता। किसने बोला नहीं नहाता? नहाते, गंगा नदी में नहाओ, है ना? पता है आपको, मैं यदि बात करूं गंगा नदी की बात करूं, तो उसमें साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए यदि उसमें कोई भी खराब पानी जाता है। यस सर, बैक्टीरिया कैसे? थोड़ी देर बाद वो सब बैक्टीरिया को किल कर देता है। आपने देखा घरों में गंगा जल रखा रहता है सालों, रखा रहता है सालों, और कभी कुछ नहीं होता। यस सर। सॉरी सर, क्या हुआ? कुछ नहीं, सॉरी। कोई भी उसमें कीड़ा वीड़ा कुछ नहीं पड़ता है, सिंपल। क्यों भाई, ये बात तो आपको पता ही है सिंपल से? यस सर। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान समझना, यदि मैं यहाँ पे जैसे आपको बोलूं सिंपल हार्ड वाटर किसे बोले जनरली, यहाँ पे हार्ड वाटर किसे बोले, जैसे मैग्नीशियम कैल्शियम के सल्फेट क्लोराइड क्या होते हैं, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? हार्ड वाटर। आप क्लास 11th में पढ़ोगे हार्ड वाटर भी दो टाइप के होते हैं, एक परमानेंट हार्ड वाटर, एक कैसा होता है सिंपल टेम्पररी हार्ड वाटर। वो जितने भी टेम्पररी हार्ड वाटर होते हैं उनको तो आप किससे रिमूव कर सकते हो, यदि आपको सिंपल सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है आप बॉइलिंग कर दो, बॉइलिंग्स हो जाएंगे। लेकिन जो स्पेशली परमानेंट हार्ड वाटर होते हैं वो इनसे नहीं होते, फिर उनके लिए आप प्रिपरेशन मेथड पढ़ते हैं, उसको सॉफ्ट वाटर बनाने के मेथड पढ़ते हैं, या क्लास 11th में जब मैं आपको हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा सीधी सारी बात, ठीक है? तो ये बात क्लियर हुई सभी को, पहले ये बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। कौन कौन कपड़े धुलता है बोल, कौन कौन धुलता है अपने हाथों से कपड़े? सर बोला नहीं जा रहा है लेकिन हैंड रेज कर लिया है सबने। अच्छा, मतलब सभी सभी धुलते हैं। देख लो भैया, ये लोग कपड़े धुलते हैं तो मतलब इनकी जब शादी होगी ना सब खुश रहेंगे, इनकी इनकी बीवियां खुश रहेंगी बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से। क्यों भाई, मम्मी भी खुश रहती होंगी, पापा भी खुश रहते होंगे, अरे बच्चा सारे काम कर लेता है। यस सर। क्यों चेतन, तुम भी धुलते हो कपड़े? कृष्णा कहता मैं तो सर कुछ नहीं, वॉशिंग मशीन में डाला धुल गए। सर मैं दोनों से कर लेता हूँ। मनोज, मनोज कह रहा मैं, हम भी नो सर, नो क्या, तो हम भी, लेकिन पता है अपना काम खुद करना चाहिए, आप लोगों सीखो अभी से इस चीज को। यस सर। बर्तन बनाने सर धोए कभी कभी लेकिन रोजाना नहीं, नहीं रोजाना नहीं, अपनी आदत डालो, ये अच्छी आदत है कि मतलब आप अपने काम स्वयं किया करो, आदत डालोगे अभी से तभी बनेगी। तो जब आप पोस्टर वगैरह में जाओगे ना तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी ना उस टाइम कि आप ये मान लो रो दोगे,
सर हॉस्टल में ना सर धोने तो आते हैं कभी कभी धोए अच्छा धोने तो आते हैं सर अब तो आज कल धुलना सिखाते हैं ठीक है कपड़े सिखाते हैं चलो अब देखो यदि मैं बात करूं तो जो डिटर्जेंट होता है जनरली हम इसको यूज करते हैं सबसे ज्यादा क्लीनिंग एजेंट की तरह कपड़े धुलने की जगह ठीक है ना इसको यूज करते हैं अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपल सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है जैसे इसको हम हार्ड वाटर में यूज करते हैं किसमें यूज करते हैं हार्ड वाटर ठीक है क्योंकि वहां पे अभी भी हम बात करें सिंपल सोप वर्क नहीं करता क्या नहीं करता है बोलो सोप वर्क नहीं करता और वहां पे यदि आप सोप को यूज कर रहे हो तो सिंपल ये मान लो आपका क्या हो रहा है वेस्टेज ऑफ वाटर हो रहा है सिंपल सब कुछ टैंक yes. क्योंकि वहां पे जैसे आप हार्ड वाटर के फॉर्म में लाओगे तो सोप जैसी रिएक्ट करेगा तो कैसा होगा कर्डी हो जाएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट हो जाएगा समझना ध्यान से अब इसीलिए जो जो प्रेसिपिटेट बनता है उसको बोलते हैं स्कम क्या बोलते हैं स्कम स्टिकी नेचर का हो जाएगा कैसा हो जाएगा स्टिकी मतलब उसकी सरफेस कैसी हो जाएगी क्लॉथ की स्टिक बिल्कुल कड़क तरीके से समझ लो ये बात बोलो ये बात समझ में आ गई लिखा हुआ यही सब बातें yes, आप पढ़ोगे तो ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी जैसे मैं एक बार पढ़ देता हूँ जनरली ऐसे ही आप समझ लेना नहीं तो जहाँ समझ नहीं आया सिंथेटिक डिटर्जेंट आर वाइडली यूज्ड दीज डेज एज क्लीनिंग एक्शन एजेंट दीज हैव द फॉलोइंग एडवांटेज ओवर सोप सिंथेटिक डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड इवन इन हार्ड वाटर वेयर एज सम ऑफ द सोप गेट्स वेस्टेड इफ वाटर इज हार्ड सोप कैन नॉट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर इट रिएक्ट विद सोप टू फॉर्म कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड दीज प्रेसिपिटेट्स आल्सो कॉल्ड स्कम आर आइदर थ्रोन आउट और स्टिक टू द सरफेस ऑफ द क्लॉथ ठीक है अब देखो ये आपका देखो सिंपल होता क्या है यहाँ पे दो तरीके होते हैं एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है कैसा होता है बोलो एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक मतलब समझते हो और हाइड्रोफोबिक फोबिक फोबिया मतलब समझते हो बोलो डर यस सर डर और फिलिक मतलब सिंपल सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट हो जाएगा मतलब आप yes, जब भी सोप को बनाते हो तो सोप ही है इस तरीके से ठीक है C डबल बॉन्ड O O माइनस Na प्लस यही है ठीक है अब आप इसको देखोगे ये जो आपका सिंपल कैसा है ये वाला पार्ट कौन सा ये वाला पार्ट ये होता है आपका सिंपल हाइड्रोफिलिक कैसा होता है हाइड्रोफिलिक और आपको पता है ये कैसा पोलर नेचर का होता है कैसा होता है पोलर पोलर मतलब समझते हो ये कैसा होगा वाटर सॉल्युबल होगा कैसा होगा पोलर लाइक डिजॉल्व लाइक होता है ना और आपको पता है वाटर भी कैसा होता है सिंपल आपका पोलर होता है पोलर सॉल जब पोलर होता है तो पोलर पोलर में डिजॉल्व होगा तो ये क्या होता है ये सॉल्युबल होता है फिलिक मींस सॉल्युबल अब ये जो पार्ट होता है एक ये होता है हेड इसको बोलते हैं हम हेड इसको बोलते हैं हम टेल ये कैसा होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं हाइड्रोफोबिक ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता है ये क्या करता है सिंपल रिपल करता है समझ रहे हो क्या होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट ध्यान समझ लेना इस बात को बहुत अच्छे से अभी क्लीनिंग एक्शन समझाएंगे हम कपड़े धुलने भी सिखाने वाले हैं तुम लोगों को और आज इस चैप्टर को समापन भी करने वाले हैं सिंपल तो यहाँ पे भी हम बात करते हैं सोप्स आर मॉलिक्यूल्स इन विच द टू एंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज वन इज हाइड्रोफिलिक दैट इट डिजॉल्व इन वाटर व्हाइल द अदर एंड इज हाइड्रोफोबिक That is it dissolved in hydrocarbon. Simple hydrocarbon तो है नहीं यहाँ पे. यहाँ पे क्या water है? और जब water है तो water में ही soluble होगा. ठीक है? अच्छा तो इस तरीके से आप समझ जाओ. ये बन गया आपका. यहाँ तक बात clear पहले ये बताओ. बोलो. Yes sir. Yes sir. अच्छे से मान लो होता क्या है? Actually ध्यान समझना. Actually जो hydrophobic वाला part होता है वो non-polar होता है. और non-polar water में dissolve नहीं होता. अब जैसे मान लो अच्छा ऑयल कैसा होता है ऑयल आपका हाइड्रोकार्बन ही है बोलो जैसे मान लो yes, ये टी शर्ट है बढ़िया सी सुंदर की मैं टी शर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ
अरे अच्छी नहीं बनी ये टी शर्ट, इस पे ऑयल एक कुछ भी हाइड्रोकार्बन गिर गया, धब्बा लग गया। क्या लग गया? धब्बा। अब आपको पता है अब आप क्या करोगे इसको? अब आप इसको सिंपल किसमें डालोगे बताओ? अब आप इसको डालोगे, इसमें जो डालोगे आप, अब क्या लाओगे आप? सोप इसके पास लाओगे, सोप को इसके साफ करोगे। जब आप इसको सोप से साफ करोगे तो क्या होगा? थोड़ी देर डालोगे सोप, तो सोप क्या होगा? हाइड्रोफोबिक पार्ट, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा मतलब टेल, वो टेल कहाँ पे जुड़ेगी? वो आपकी डर्ट से जुड़ जाएगी। इसको क्या बोल रहे हैं? डर्ट। जो टेल होगी ये आपकी किससे जुड़ेगी? डर्ट से जुड़ेगी। अब देखना ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है और ये क्या है आपका? हाइड्रोफिलिक पार्ट। यस सर। ये चीज तुम पता है? भरत सर से पूछोगे बहुत अच्छे से बताएं, भरत सर को भी केमिस्ट्री की बहुत अच्छी आती है, पता तुम्हें? सर आपसे भी बढ़िया। हमसे भी बढ़िया आती सर केमिस्ट्री। सर कौन से सर? भरत सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। सर कह रहे हैं अभी हमसे सामने ही खड़े हैं, सर कह रहे हैं हम पढ़ा रहे हैं ये हाइड्रोफिलिक। सर करण सर नहीं, भरत सर सर पढ़ा लीजिए बच्चे या बोल रहे हैं। सर कह रहे हैं फिजिक्स पढ़ लो पहले। चलो इधर आ जाओ, देखो यहाँ पे ये हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक हो गया, ऐसे ही आपके जोड़ में चले जाएंगे। अरे सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, मजाक कर रहे हैं सर, सामने आ गए थे सर, भरत सर। देखो यहाँ पे सी डबल ओ माइनस, तो ऐसे जुड़ते चले जाएंगे इसके चारों, बोलो इसी तरीके से। अब क्या होगा? अब जैसे आप इस पे ब्रश फेलो, ब्रश फेलोगे ठीक है, तो क्या होगा? ये जब बाहर निकलेगा तो ये क्या निकलेगा? आपका डर्ट को लेके निकलेगा। ये जो पार्ट है ना अंदर वाला, इसको क्या बोलते हैं? डर्ट। इस पूरे जो फॉर्मेशन हुआ, जो ये फॉर्मेशन हुआ डर्ट, इसको बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बोलो? मिसल फॉर्मेशन। बताओ ये बात क्लियर? बोलो जल्दी। यस सर। सभी क्लियर? बोलो भाई। देखो यस सर सिंपल, देखो पहले डर्ट था, फिर डर्ट क्लीन किया, धीरे धीरे मिसल बना, मिसल निकल गया बाहर, मतलब डर्ट बाहर निकल गया और आपकी शर्ट क्या हुई? साफ हो गई। या तो 11th में भी पढ़ोगे तो इसको बोलते हैं सिंपल मिसल फॉर्मेशन। तो जब भी आप करते हो इसको क्लीन करते हो तो कैसे करते हो? मिसल फॉर्मेशन से आप इसको अलग करते हो। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं पढ़ दूं आपको तो लोग सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, जो मैंने बताया है वही लिखा हुआ है, देखना आप यहाँ पे पढ़ दे। yes, दीज मॉलिक्यूल्स हैव अ यूनिक ओरिएंटेशन दैट कीप्स द हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ द वाटर। This is achieved by forming cluster of molecules in which the hydrophobic tails are in the interior of the cluster and the ionic end are on the surface of the cluster. This formation is called micelle. ठीक है ना, micelle बन गया simple, जो interior part था वो hydrophobic वाला था और जो exterior part था वो ionic part था, C double O minus N. Soap in the form of micelle is able to clean. Since the oily dirt will be collected in the center of the missile, the missiles stay in solution as if यहाँ पे कुछ गड़बड़ colloid होगा, यहाँ पे क्या होगा? colloid solution, ठीक है ना? And will not come together to precipitate because of ion-ion repulsion. ठीक है, मतलब repulsion क्या नहीं बनता, precipitate नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे ion-ion repulsion हो रहा है. Thus the dirt suspended in the missiles is also easily rinsed away, बाहर निकल जाएगा। जैसे आप उसको rinse करेंगे पानी से, वो बाहर निकल जाएगा। The soap missiles are large enough to scatter light. ये क्या करता है? ये scattering of light करता है simple. Hence a soap solution appears cloudy. और आपको क्या दिखाई देगा? ये जो soap solution होगा वो simple आपको cloudy दिखाई देगा। तो ये बात थी तुम्हारी simple missile। अब बताओ पहले इस chapter में कहीं भी बच्चे को doubt हो पहले तो वो क्लियर कर दो। आप आज तक हमने जितना पढ़ा है सारे डाउट बोलो, नहीं तो फिर हमें डाउट होंगे, फिर हम आईयूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस करा देंगे। yeah.
सर डाउट्स तो नहीं है लेकिन सर प्रायोरिटी टेबल है वो लिखवा दीजिए। प्रायोरिटी टेबल लिखना है सर एक बार दोबारा लिखवा दीजिए मतलब सर वैसे खुद से तो मैंने बना ली थी एक बार लेकिन सर कंफर्म करना है। और भी बच्चा बताएगा और कुछ डाउट और कोई लिख लो पीरियोडिक टेबल लिखा देता हूँ। यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ पीरियोडिक टेबल में तो सबसे पहले आता है आपका कार्बोक्जिलिक एसिड। फिर आता है आपका ईस्टर। मैं पूरी लिखा दे रहा हूँ फंक्शन ग्रुप का ठीक है जनरल। फिर आता है आपका सिंपल यहाँ पे क्या कार्बोनिल सॉरी हेलो कार्बोनिल बोलो या इसको सिंपल आप कार्बोनिल बोल सकते हेलो कार्बोनिल ही बोलो ठीक है या एसाइल ग्रुप बोलो। फिर आता है आपका अमाइड ठीक है। फिर आता है आपका नाइट्राइल। फिर आता है आपका एल्डिहाइड। फिर आता है आपका सिंपल कीटोन। फिर आता है आपका सिंपल एल्कोहल। फिर आता है आपका सिंपल थायो एल्कोहल। फिर आता है आपका सिंपल अमाइन। फिर आता है आपका सिंपल एल्कीन। फिर आता है आपका एल्काइन। फिर आता है आपका सिंपल क्या एल्कीन। क्लियर जैसे क्वेश्चन लिखो तो पीछे करना सर ये थर्ड वाले का क्या नाम है बेटा इसको हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप बोलते हैं वैसे ओके सर। सॉरी अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखो कुछ लिखो करो कैसे करो सुबह Thank you.
सर डन वेरी गुड यहाँ पे कैसे करोगे सर मैं बताऊँ सर लेफ्ट साइड वाले सी डब्ल्यू एच से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि सर यहाँ से पास पड़ेगा तो क्योंकि यहाँ से पास पे यहाँ भी आ रहा है पास पे अमाइड भी आ रहा है ना यहाँ पे तीन ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे ना फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपल फोर अमाइड अमाइडो सर अमाइडो अमाइडो होता है इसका ओके सर ठीक है ना फोर अमाइडो फिर हो जाएगा आपका सिंपल एथाइल सॉरी फाइव साइनो और फिर हो जाएगा आपका सिंपल सिक्स एथाइल ठीक है फिर हो जाएगा आपका थ्री सॉरी टू कॉमा थ्री कॉमा सेवन कॉमा एट टू कॉमा थ्री कॉमा सेवन कॉमा एट टेट्रा मिथाइल मिथाइल और फिर हो जाएगा आपका सिंपल सर नॉन एंड वन कॉमा नाइन डायोइक एसिड 1.9 डायोइक एसिड वेरी गुड किस किस का सही था ये सर मेरे वाले में बस वो गलती थी मैंने वो साइनो और अमाइडो मतलब वो साइनो और अमाइडो नहीं लिखा था सर मैंने अमाइडो और सर मेरा भी यही गलत था कोई बात नहीं और किसका सही है और किसी का सही नहीं था कुछ भाग लिए इसमें से यहाँ पे कैसे नंबरिंग करूँ एक दो तीन चार पांच क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटा वन कॉमा फोर सर नंबरिंग थोड़े अलग होने चाहिए सर जहाँ पे टू है सर सर जहाँ पे वन आने चाहिए सर हाँ सर सर जहाँ टू है सर जहाँ पे टू है वहाँ वन है और जहाँ वन है वहाँ वन है फिर सर नीचे से हम यही तो चेक कर रहे थे कि तुम क्या करने वाले सर उससे थ्री पे दूसरा वाला डबल बॉन्ड था मिल जाता वेरी गुड क्योंकि तीसरी पोजीशन पे क्या आएगा आपका डबल बॉन्ड यस यस सर पास पड़ेगा तीन चार पांच क्या हो जाएगा सिंपल साइक्लो पेंटा वन कॉमा थ्री थ्री डाई इन और देखो चलो कुछ क्वेश्चन आता है देखते पता ना इसको Thank you.
वेरी गुड दोनों डन दोनों सभी से हो गए yes, sir. कर ले दो और दो मिनट वेट कर सबको कर ये चैप्टर हो गया सब खत्म कौन सा अभी महीना चल रहा है नवंबर 13 नवंबर है ठीक है नेक्स्ट वीक में मुझे एक क्लास मिलेगी फिर उससे नेक्स्ट वीक में क्लास मिलेगी नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा और नवंबर में ही जाएगा तीन क्लास ये तीन बस उसमें खत्म चला नहीं बचेगा समझे कुछ भी नहीं बचेगा उधर बस में क्या बनेगा यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपल 4.6 डाइएथाइल पहले 3-अमाइडो आएगा ना अमाइडो पहले हाँ भाई अमाइडो आएगा 3-अमाइडो 4.6 डाइब्रोमो 6 क्लोरो 6 क्लोरो 6 क्लोरो 4.6 डाइथाइल 4.6 डाइथाइल 8 हाइड्रोक्सी 8 फॉर्माइल सर हाइड्रोक्सी तो है नहीं फिर 9 मिथाइल 9 मिथाइल सर आपने 4.6 डाइथाइल दो बार लिख दिया यस सर सर फर्स्ट वाला शुरू में गलत लिख दी सर सेकंड में भी लिख रहा था यस सर चलो दोबारा से बोलो तुम लोग सर 3-अमाइडो 3-अमाइडो 5.7 डाइब्रोमो 5.7 डाइब्रोमो सर 7 डाइब्रोमो डाइब्रोमो हां 6 क्लोरो 6 क्लोरो 4.6 डाइथाइल 4.6 डाइथाइल 8 फॉर्माइल 8 फॉर्माइल 9 मिथाइल 9 मिथाइल डेक एंड 1.10 डायोइक एसिड 1, क्या हो रहा है डेक डेक एंड 1.10 डायोइक 1.10 डायोइक एसिड डायोइक एसिड सर डायोइक एसिड यहां पे बताओ क्या होगा 1 सर यहां पे तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं 3 दोनों तरफ से ठीक है क्या होगा 3.3 ये गलत हो गया डाइथाइल नंबरिंग गलत हो गया रुक जाओ सर 4 और 5 भी आएगा ना यस सर 3 4 5 3.3 डाइथाइल डाइथाइल फिर सर 2.4 डाइकीटो 2.4 डाइकीटो 2.4 डाइकीटो सर पेंटेन 1.5 डाइओइक एसिड पेंटेन 1.5 डाइओइक 1.5 पेंटा 1.5 डाइओइक डाइओइक एसिड पेंटेन होगा ना सर पेंटेन हो बोला डाइओइक यस सर
अब बताओ यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम कोई डाउट तो मैंने सब रिवीजन करा नो सर सर मैंने फर्स्ट वाले में सर 10 के बदले 9 कार्बन बना दिए सर बाकी सब ठीक है देखो अपन तो कोई दिक्कत नहीं 9 कार्बन से आपने कर लिया ना कोई दिक्कत नहीं यस सर 9 कार्बन से मेरा ठीक है लेकिन 1 कार्बन मेरा कम रह गया अब देखो ये चैप्टर हो गया समाप्त और डिटेल में पढ़े अपन 1 महीने से यही चैप्टर पढ़ रहे हैं एक से ऊपर हो गया वैसे देखा जाए तो क्यों भाई यस सर अब क्या किया जाए इसके बाद आपका पीरियडिक टेबल लास्ट चैप्टर फिर ये चैप्टर खत्म फिर अपन 9th का रिवाइज करेंगे जल्दी से और बताओ सर इस चैप्टर की आप डीपीपी दे दीजिएगा सर जो ऐप पे है अभी मैं थोड़ा 2 दिन तो देखो बेटा बिजी हूँ 2 दिन तो नहीं सर अगला चैप्टर भी करना है दे दूंगा अपलोड कर दूंगा डीपीपी वो मैं करवा दूंगा लेकिन अभी 2 दिन तो मैं हूँ नहीं यहाँ पे क्योंकि मैं जा रहा हूँ घर क्योंकि मैं सारे जी एक्सपायर हो गई त्रियोदशी नहीं हुई ना सर कहाँ जा रहे हो घर जा रहा हूँ 2 दिन के लिए आप यूपी रहता हूँ ना मैं यहाँ नहीं रहता मेरा काम ओके सर तो फिर मैं 2 दिन बाद आऊंगा तो फिर मुझे एक बार मैसेज डाल देना 2 दिन बाद तुम लोग ग्रुप में तो मैं उसको अपलोड करवा दूंगा ओके सर ओके सर और कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को कुछ पूछना हो अभी भी पूछ लो सर बैच का नाम बोल दो सर अब देखो अभी हम बात तुम लोग बताओ हम भी बात करेंगे बोल रहेंगे तुम्हारी हम ये हम तो तुम्हारी बात तुम लोगों का मन का हो नाम ये चाहते हैं सर कहाँ डालें मुझे मैसेज डाल देना टेलीग्राम मन के नाम पे मत जाइए सर चैट में तो सर कुछ भी चल रहा है सर एक बैच आया इथाइल अल्कोहल बैच सर बताइए ये क्या है सर नारायण तो बैच चाहिए देखो चलो ठीक है चलो सर दैट्स इट ऑल फॉर टुडे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच टाटा बाय बाय गुड इवनिंग सर बाय सर बाय सर थैंक यू सर बाय बाय थैंक यू सर अच्छा नाम लिखा है बाय एवरीवन